हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल में, आपका अपना इलेक्ट्रिशियन। आज की जो हमारी टॉपिक है वो जॉइंट के ऊपर टॉपिक है। तो जॉइंट्स के तो काफ़ी सारे वीडियो आपने देख लिए रहेंगे, लेकिन अगर आप PWD के एग्ज़ाम देने जा रहे हो मुंबई में वायरमैन की, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको कॉमन रहेगा कि जॉइंट कितने तरह के होते हैं, उसमें जॉइंट के कौन से नाम हमें लिखना है, ये आप जरूर सोच रहे होंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी जानकारी मिलने वाली है कि जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं और वो जॉइंट्स हमें करने कैसे हैं, और बाकी जो उसके अलावा भी जो जॉइंट्स है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर। मैंने बोला कि PWD के एग्ज़ाम में हमें जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं, पहले वो कौन कौन सा जॉइंट हमें लिखना है, चलिए मैं पहले वो बता दूँ आपको। सबसे पहला जो जॉइंट हमें उसमें लिखना है वो रहेगा स्ट्रेट जॉइंट, दूसरा जॉइंट रहेगा आपका टी जॉइंट, तीसरा जॉइंट रहेगा ब्रिटानिया जॉइंट, चौथा जॉइंट रहेगा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। स्ट्रेट जॉइंट जो हमें जब मिलेगी वहाँ पे पेपर, या फिर स्ट्रेट जॉइंट हमें किस तरह से मारना है, चलिए उसके बारे में पहले बताता हूँ। जब अगर आपको स्ट्रेट जॉइंट मारना रहेगा तो आपको इस तरह से दो वायर मिलेगी, तो ये दो वायर पे आपको किस तरह से स्ट्रेट जॉइंट मारना है वो मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेट जॉइंट हमें किस तरह से मारना है। ये दो जॉइंट, अगर स्ट्रेट जॉइंट मारना है तो ये दो वायर की आपको यूज करना है। अगर आपको टी जॉइंट मारने के लिए वो बोला गया, तो टी जॉइंट मारने के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही आपको दो वायर मिलेगी, एक सिंगल लाइन जो गई रहेगी उससे बाईपास लाइन हमें इस तरह से निकालना रहेगा। इस लाइन को अगर हम यहाँ से बाईपास करके निकालते हैं इसे हम टी जॉइंट बोलते हैं। ये किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता। तीसरा जो जॉइंट मिलने वाला है आपको वो करना है, मैंने बोला ब्रिटानिया जॉइंट। तो ब्रिटानिया जॉइंट में आपको दो इस तरह की वायर मिलेगी वहाँ पे, और उस वायर को इस तीसरे वायर की सहायता से हमें ज्वाइंट करना है, इसे हम ब्रिटानिया ज्वाइंट बोलेंगे। ये किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। रहेगा वो रहेगा वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट करने के लिए आपको इस तरह से दो तार मिलेगी, इस तार को वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट हम किस तरह से मारेंगे आपको ये भी मैं चलिए आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और ये चार ज्वाइंट के अलावा भी और कौन कौन से ज्वाइंट हम करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में लास्ट तक मैं बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, ज्वाइंट किस तरह से हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रेट जॉइंट। तो स्ट्रेट जॉइंट करने के लिए हमें पहले आपको मैंने बताया कि दो वायर इस तरह से मिल जाएंगे, ये देखिए इसे हमें स्ट्रेट जॉइंट किस तरह से करना है, चलिए पहले मैं आपको वो बतला दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूँ, ये जो हमारी वायर है आप इसे क्या करो, वायर को एक एक नहीं डेढ़ डेढ़ इंच इसे आप इसे वायर को छिल लो। पहले सबसे पहले इस वायर को डेढ़ डेढ़ इंच छिल लीजिए। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ किस तरह से पहले छिलना है आपको वायर। तो मैं इस तरह से उंगली पे मार्किंग कर लेता हूँ, लगभग लगभग इतना इतना वायर हमें दोनों वायर को इतना इतना छील लेना है। चलिए मैं इसे पहले छील लेता हूँ, मैं तो प्लास से ही छील लेता हूँ। अगर आपको छीलने में दिक्कत हो तो आप चाकू की सहायता से वायर छील सकते हैं। इतना ही वायर हमें ये भी छीलना है, जितना ये छीला है हमने उतना ही वायर ये भी छीलना है। तो हम इसे यहाँ से छील लेते हैं। ये मैं आपको स्ट्रेट जॉइंट किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हमने ये वायर छिल लिया। एक्चुअली हमें पक्कड़ से छिलने की आदत हो गई है, यहाँ पे थोड़ी भी दाग भी नहीं आएगी। एक अंदाज़ा हो गया कि वायर को हमें कितने दबाना है। अगर अगर जानकारी नहीं है तो वायर छिलने के लिए चाकू का ही यूज़ करिए, क्योंकि अगर इस तरह से नए आदमी अगर वायर छिलेंगे तो वायर यहाँ से डैमेज कर देंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसे जॉइंट हमें स्ट्रेट जॉइंट करना किस तरह से है। तो हमें सबसे पहले दोनों वायर को आधा आधा कर लेना है, इस वायर को भी आधा आधा कर लेना है, ये इस तरह से ये आधा आधा हो गया, और इस वायर को भी आधा आधा कर लेना है, ये देखिए ये हो गया। अभी इस दोनों को बीच में इस तरह से घुसा लेना है, यहाँ की वायर ऊपर और ये जो वायर है नीचे से इसको लेते हुए इसके ऊपर, ये देखिए ये हो गया कुछ इस तरह से। अब हमें करना क्या है, ये दोनों के बीच में हमने रखा, अब इसे बीच में पकड़ के एक साइड की वायर हम इस साइड घुमाएंगे, ये साइड घुमाएंगे, ये एक साइड कंप्लीट हो गया। दूसरी साइड की वायर को हम इस साइड घुमाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए। अब ये हो गया हमारा स्ट्रेट जॉइंट, कितना मजबूती से जॉइंट हो गया ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम प्लास की सहायता से इसे और मजबूत कर देंगे, जिस साइड घुमा हुआ है उसे हम इस तरह से घुमा के, ये इस साइड मैंने घुमाया था, ये इस साइड घुमा दिया, और ये वायर को हमने इस साइड घुमाया था तो इसे हम इस साइड घुमा देंगे। अब ये वायर हो गया आपका बन के स्ट्रेट जॉइंट बन के, ये तैयार हो गया, ये आप देख सकते हैं।
अब मैं आपको ये दूसरा ज्वाइंट का तरीका बताने वाला हूँ, टी ज्वाइंट। तो टी ज्वाइंट में हमें क्या करना है, जो आपको हॉरिजेंटल लाइन गई रहेगी उसमें से ये बीच में से एक वायर को हमें नीचे निकालना है। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, तो वो पहले बता दो। वायर के बीच में जो हॉरिजेंटल वायर गई हुई है उसे हम पहले छील लेंगे। ये देखिए, वायर के बीच में लगभग हम एक इंच इसे छील लेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने इस वायर को एक इंच छील लिया। उसके बाद छीलने के बाद हमें क्या करना है, इस वायर को भी एक डेढ़ इंच छील लेना है। ये देखिए, तो इस वायर को भी लगभग लगभग डेढ़ इंच जैसा छीलना है। तो ये इतना मैं डेढ़ इंच इस वायर को भी मैं छील लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारा डेढ़ इंच छिला हुआ तैयार हो गया और ये वायर हमारा एक इंच छिला हुआ तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, इसे बीच से हल्का सा एकदम बीचों बीच हमें इसे दो पार्ट में कर लेना है। ये देखिए, इसे हमने दो पार्ट में कर लिया और हमें अब इसे क्या करना है, इसे भी दो पार्ट में कर लेना है। तो इसे भी हमने इस तरह से दो पार्ट में कर लिया, देखिए बिल्कुल बराबर पार्ट में दोनों कर लिया। अब हमें करना क्या है, इसके बीच में इसे हम ऐसा कर देंगे और उसके बाद ऊपर से इसे हम इसे दबा देंगे। ये ऐसा हमने दबा दिया, अब ये हो गया कुछ इस तरह से, आप देखिए ये हो गया कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये हो गया कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये रखना है हमको बिल्कुल बीच में। अब जैसा स्ट्रेट जॉइंट में हमने एक तरफ इसे घुमाया था और एक तरफ इसे घुमाया था, तो पहले एक तरफ को हम इस साइड घुमा लेते हैं। अब दूसरे वाले को हम इस साइड घुमा लेते हैं। और अब इसे हम पकड़ की सहायता से इसे मजबूती दे देते हैं। अब इसे हम मजबूती देने के बाद आपको दिखलाता हूं। अब मैंने आपको ये दिखलाया कि ये हमारा देख सकते हैं टी ज्वाइंट तैयार हो गया। ये देख सकते हैं कितनी मजबूत तरीके से ज्वाइंट किया गया है। तीसरा जो ज्वाइंट मैंने बतलाया था आपको, मैंने बतलाया था ब्रिटानिया ज्वाइंट। तो ब्रिटानिया ज्वाइंट के लिए हमें क्या करना है, एक आपको दो इस तरह की वायर मिलेगी और एक पतली वाली वायर मिलेगी। अब इसे हमें करना क्या है, तो दोनों वायर को जो पहले मोटी वाली जो सिंगल स्टड वायर हमें मिलेगी उसे एक से डेढ़ इंच हमें एकदम बिल्कुल 90 डिग्री में मोड़ लेना है। चलिए मैं दिखलाता हूँ आपको किस तरह से। ये इस तरह से पकड़ा हमने और इसे इस तरह से मोड़ लिया। ये देखिए कुछ बिल्कुल इस तरह से। उतने ही वायर को हमें इसे भी मोड़ लेना है जितना हमने इसे मोड़ा है। ये यहाँ से इस तरह से मार्किंग की और यहाँ से यहाँ इसे हमने मोड़ लिया। अब हमें करना क्या है, तो इस दोनों वायर को इस तरह से रख के और इस पे ये पतली वाली वायर एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पे जितना हमने मोड़ा है उतना ही मैंने इस पे लिया है और इस दोनों को इस पतले वाले वायर से बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके ऊपर हम मजबूती से मोड़ लेंगे। चलिए वो मैं आपको दिखलाता हूँ। तो फिर हमारा ये तैयार हो जाएगा ब्रिटानिया ज्वाइंट। गैप बिल्कुल ही नहीं देना है, इसे एकदम टच करके मोड़ना है। ये देख सकते हैं, ये जो हमारा ज्वाइंट हुआ ये हो गया ब्रिटानिया ज्वाइंट। अब जो लास्ट जो हमारा ज्वाइंट बचता है वो ज्वाइंट रहता है वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट करने के लिए भी आपको कुछ इसी तरह से दो सिंगल स्टड वायर मिलेंगे। उसे हमें वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट में किस तरह से बनाना है, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप दोनों को लगभग एक से डेढ़ इंच में इस तरह से क्रॉस पकड़ लें। ये देख सकते हैं
ये पकड़ने के बाद इसे एक वायर को इस तरफ और एक वायर को इस तरफ इसे घुमा देना है। ये वायर को हमें इस तरफ घुमा देना है और ये वायर को हमें इस तरफ घुमा देना है। अब इस वायर को पकड़ की सहायता से मजबूती देना है। एक साइड का हमारा तैयार हो गया, अब ये दूसरे साइड का मैं तैयार करता हूँ। ज़्यादातर इस तरह के ज्वाइंट करने के लिए दो पकड़ का यूज़ किया जाता है। जैसे ये घूम रहा है तभी हमें पकड़ने के लिए एक और पकड़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ये इस पकड़ से इसको एक साइड पकड़ लेंगे और उसके बाद यहाँ से इसे हम मोड़ लेंगे। बिल्कुल ही सावधानी से, ये देख सकते हैं आप, ये आपका वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट तैयार हो गया। आपने देखा कि मैंने कितनी तरह के ज्वाइंट आपको करके दिखलाया, और आपको ये भी मैंने बताया कि एग्ज़ाम में कौन कौन सा ज्वाइंट लिखना है अगर आप लिखने जा रहे हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक, अगर समझने में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इलेक्ट्रिक्स रिलेटेड नए नए वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।